कांग्रेस के अंदर जितने भी हिंदू हैं इनको छोड़ करके जो फिरोज की औलाद है वो क्या स्वयं इस बात को स्वीकार कर गए कि हाँ मैं हिंसक हूँ? करोड़ों हिंदुओं की जनभावनाओं को जिस तरह से आघात किया है इन्होंने, और हिंदुओं को अब तक आतंकवादी बताते थे, अब हिंसक भी बता दिया। अगर यही बात कोई नॉन हिंदू के बारे में बोल देता, किसी और रिलीजन के बारे में बोल देता, तो इनका सरकलम हो जाता। हिंदू समाज को हिंसक बताते हैं, शर्म आनी चाहिए। मैं तो पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के उन नेताओं को जो स्वयं को हिंदू कहते हैं, ये राहुल तो खुद भी कहते हैं ना कि मैं तो जनेऊधारी हिंदू हूँ। अरे भी कैसे हिंदू हो आप मुझे बताइए? हिंदू बताता है अपने आप को, और अपने दादा की मजार पर आज तक नहीं गया कभी, जिसके दादा का नाम फिरोज, माँ का नाम माइनो, और वो कैथोलिक क्रिश्चियन है, और नाना का तो पता ही नहीं। ये सदन को ये भ्रमित करके और ये कहना चाहते हैं तू हिंदू नहीं है, तू हिंदू नहीं है, तू हिंदू नहीं है, क्या मतलब है? हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये खुद तो कहते हैं मैं हिंदू तो हूँ लेकिन हिंदुत्व को नहीं मानता, क्या पागलपन है? हमें लग रहा था कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद में शायद एक मैच्योरिटी इनके अंदर झलकेगी, लेकिन उन्होंने तो पहले ही भाषण में अपने स्टैंड गन चलाना शुरू कर दिया, आतंकवादियों जैसी एक तरह से मैं कहूँगा कि भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। भाई वो गोली से मारते हैं और ये शब्दों से मार रहे हैं सदन के अंदर हिंदुओं को, इससे बड़ा जो आघात और क्या होगा भाई? जो पादरी कभी भी श्वेत वस्त्र के अलावा कहीं नज़र नहीं आता था, सामने क्रॉस और श्वेत वस्त्र, उन्होंने श्वेत वस्त्र भी त्याग दिए और क्रॉस भी त्याग दिए। आप देखिए कि वो कंठी माला डालेंगे बड़ी बड़ी और माथे पर त्रिपुंड लगाएंगे और भगवा धारण करेंगे और लोगों को ठगने के लिए मार्केट में निकल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं किशन मालान। संसद के अंदर हिंदू शब्द पर दिए गए विवादित बयान के बाद संसद से लेकर के सड़क तक हंगामा राहुल गांधी के खिलाफ में जारी है। यहां तक कि लोग अब राहुल गांधी से सदन में माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। इस बीच में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक जी ने भी इसकी निंदा की, लेकिन आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। कैसे देखते हैं सबसे पहले इस बयान को कि जान बूझ करके दिया गया, या जो प्रियंका गांधी कहती हैं कि उनका इशारा या उनका निशाना भाजपा के नेताओं पर था? नहीं देखिए, निशाना और इशारा था तो उसको स्पष्ट क्यों नहीं कर लेते वहीं पर? बोलने वाले ने ये क्यों नहीं बोला कि मैं भाजपा को हिंदू नहीं मानता? ये नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने कहा जो अपने आप को हिंदू मानते हैं वे हिंसा 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 और घृणा घृणा घृणा, नफरत नफरत नफरत, और एक शब्द और प्रयोग किया था, असत्य असत्य असत्य। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्लैरिफिकेशन कोई कितना ही दे, लेकिन कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज की बात थोड़ी है, स्वाधीनता के बाद में जो कांग्रेस का जो नया चेहरा सामने आया नेहरू जी के साथ में, उसके बाद से ही ये काम शुरू हो गया था। 1966 में जिस तरह से बोट क्लब के ऊपर जब नियत्य गऊभक्तों के ऊपर जो गोलियाँ चलवाई थी और सैकड़ों हमारे पूज्य संतों को मरवाया था, उसमें किसकी सरकार थी? 84 के जो दिल्ली में जो हमले हुए ये किसने किया था? कांग्रेस ने तो किया था, अभी कांग्रेस के नेता सब जेल में। इसके अलावा आप देखिए कि बंगाल में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, कश्मीर के लिए कौन जिम्मेदार है? ये हिंसा वहाँ नज़र नहीं आती, ये हिंसक लोग हैं मैं कहूँगा, और हिंदू समाज को हिंसक बताते हैं, शर्म आनी चाहिए। मैं तो पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के उन नेताओं को जो स्वयं को हिंदू कहते हैं, ये राहुल तो खुद भी कहते हैं ना कि मैं तो जनेऊधारी हिंदू हूँ। अरे भी कैसे हिंदू हो, जिसके दादा का नाम फिरोज, माँ का नाम माइनो, और वो कैथोलिक क्रिश्चियन है, और नाना का तो पता ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये सदन को ये भ्रमित करके और ये कहना चाहते हैं तू हिंदू नहीं है, तू हिंदू नहीं है, तू हिंदू नहीं है, क्या मतलब है? हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये खुद तो कहते हैं मैं हिंदू तो हूँ लेकिन हिंदुत्व को नहीं मानता, क्या पागलपन है? समझ में नहीं आता। लेकिन इस बयान ने जो कि संसद के अंदर दिया गया, एक तो संसदीय परंपरा का और संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, दूसरी बात ये जो नए जो एलओपी आए हैं इन्होंने सोचा कि शायद मैं पहले ही बॉल में छक्का मार दूं, लेकिन क्लीन बोल्ड हो गए। आप देखिए ये जिस तरह की जोश और अलग नाटकीय अंदाज में जिस तरह से भाषण कर रहे थे, उस भाषण में इनको नहीं पता कि देश की संसद है ये, एक एक शब्द नोट होता है, सदन के पटल पर रहता है और इतिहास बनता है, वो इतिहास इनको कभी समाप्त क्षमा नहीं करेगा। और मुझे लगता है कांग्रेस को, कांग्रेस के सारे कुनबे को और एनडी अलायंस को, सबको जो है, जो इंडिया अलायंस जो है, इनको सबको
माफ़ी मांगनी चाहिए सदन से भी और हिंदू समाज से भी। और साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा सदन से भी कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करें जिससे सदन के अंदर कोई मेरे भगवान शंकर को का उपहास न उड़ा सके, कोई बाबा नानक देव जी का इस तरह से दुष्प्रचार न कर सके और उसको अपने हाथ के पंजे से उसको आंक रहे हो। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। और जिस तरह से जो लगातार जो हिंसा और हिंदू मानवंदियों पर हमला और हिंदू आस्था के केंद्रों पर हमला कांग्रेस का रहा है, कौन नहीं जानता। केरल के अंदर छोटे से बछड़े को काट करके और उसका सिर को ऐसे पकड़ के हिला हिला के बोल रहे थे हमें तो बीफ खाने का अधिकार है, कौन रोक सकता है हमें। कश्मीर घाटी को बर्बाद करके रख दिया उन्होंने, धर्मांतरण के अड्डे चला रहे हैं। जब से सोनिया जी आई हैं इस देश के अंदर तब से धर्मांतरण बेतहाशा बढ़ा है। माननीय अशोक सिंघल जी कहते थे कभी कि एक ऑपस डाई संगठन है जिसका संचालन सोनिया गांधी करती है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर क्रिश्चियन मिशनरी जो उनको फंडिंग फॉरेन फंडिंग है वो कहाँ से हुई थी, सोनिया जी के आने के बाद हुई है। क्रिश्चियनिटी देश के अंदर बड़े पैमाने पर बढ़ी है और ये जो हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं शायद इसीलिए कि ये चाह रहे हैं कि लोग ईसाई बन जाएं, ज़्यादा ठीक है। धर्मांतरण को बढ़ावा देने का भी एक षड्यंत्र हो सकता है इसके पीछे। तो मुझे लगता है कांग्रेस को इस बारे में चिंतन करना चाहिए और सदन को भी चिंता करनी पड़ेगी कि क्या ऐसे एलओपी रहने लायक हैं। विश्वेंदु प्रसाद ने इसकी निंदा तो की लेकिन इसके बाद में जो जगह जगह लोग विरोध प्रदर्शन करके और उनके माफ़ी मांगने की अपील कर रहे हैं तो क्या वीएचपी भी इस पर अपील करेगा या उनसे क्या कार्रवाई की मांग करेगा? देखिए ये समाज तय करेगा। अरे मुद्दा हमने समाज के ऊपर रख दिया है क्योंकि संपूर्ण हिंदू समाज को इसने गाली दी है, एक तरह से उसको हिंसक बताया है, बहुत बड़ा आघात किया है। अभी समाज छोड़ेगा नहीं, हिंदू समाज तय करेगा आखिरकार ऐसे नेताओं के साथ क्या किया जाए। दुर्भाग्यपूर्ण निंदनीय और एक ये नाटकीय ढंग से जिस तरह से हिंदू समाज पर हमला किया गया है उस हमले का जवाब तो इनको मिलेगा। हम बोल के नहीं करते, जब काम होगा तो जनता को पता लग जाएगा। क्या लगता है कि यह बयान वह दूसरी कड़ी है कि जब पहले कभी कहा गया था कि हिंदू आतंकवाद गढ़ने की जो एक शब्द दिया गया था, आपको लगता है उससे ये अगली कड़ी है? निश्चित रूप से। देखिए ये वही तो राजनेता है ना जो फॉरेन काउंसलेट के यहाँ जा करके खुद कह के आए थे कि भाई मुझे लगता है कि मुस्लिम आतंकवाद से ज़्यादा हिंदू आतंकवाद खतरनाक है, इसी एलओपी का बयान है। और आप देखिए कि लगातार हिंदू समाज को आतंकी बताना और आतंकियों को शहीद बताना, ओसामा को ओसामा जी बोलना किसने किया था? रात को 4 बजे तक 3 बजे तक जो है ना आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट को खुलवाना, राम जन्मभूमि का विरोध करना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 40 वकीलों की फौज डाल करके और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर ये महाभियोग तक लगा देना कि अगर आपने राम जन्मभूमि की सुनवाई करी तो हमसे बुरा कोई नहीं है, आपको यहाँ से हटा देंगे। और इवन जब इनकी बात नहीं मानी तो उपराष्ट्रपति महोदय के ऊपर भी उंगली उठाई, कीचड़ उछाली। ये जो कांग्रेस ने जिस तरह से संविधान को मजाक बनाया, इमरजेंसी के दौरान जो जिस तरह से संविधान की हत्या करी और उसको तुरंत बाद जिस तरह से संविधान की प्रस्तावना में बदलाव करके इल्लीगल तरीके से इन्फिल्ट्रेट करके दो शब्दों को गढ़ करके उसमें जोड़ा गया, ये सब क्या है? ये कांग्रेस की जो भारत विरोधी मानसिकता है, हिंदू द्रोही मानसिकता है, उसी का परिचायक है और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। लेकिन सदन के अंदर जब देश के प्रधानमंत्री इस विवाद पर बोलते हैं और उसकी निंदा करते हैं तब प्रियंका वाड्रा बाहर आकर के सफाई देती हैं कि यह हिंदुओं के लिए नहीं है, मेरा भाई हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकता है, यह भाजपा नेताओं के लिए बोला गया है। देखिए क्या बोला गया और क्या नहीं बोला गया ये तो सदन के पटल पर है। मेरी बहन, इनको नहीं पता तेरा भाई कैसा नालायक है, वो सोच समझ के बोलता है, वो बीजेपी को नहीं बोल रहा था, अगर बोलता होता तो उसका नाम लेता। सफाई देने से कुछ नहीं होने वाला। अब जनता जाग चुकी है, जनता जान चुकी है, जनता मान चुकी है कि ये व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया है, इसके डीएनए क्या है, इसके पूर्वज कहाँ से थे। अब मुझे बताइए, हिंदू बताता है अपने आप को और अपने दादा की मजार पर आज तक नहीं गया कभी? दादा कौन थे? फिरोज की मजार पर नहीं जाता, कहता है मैं तो हिंदू हूँ। कैसा हिंदू है भाई ये, तो क्या मेरा बाप नहीं है वो, बोलो ना मेरा दादा नहीं है वो। तो ये जो बातें हैं ये बड़ा
स्पष्ट तौर पर इंगित करती हैं कि कांग्रेस का जो हाइब्रिड जो मानसिकता है या हाइब्रिड संस्कार हैं इनके, जो भारत विरोधी नीति है, भारत के बाहर जाकर के भारत की निंदा करना, भारत के अंदर रह करके भारतीयता को कोसना और भारत की संस्कृति, इसके आध्यात्मिक जीवन मूल्य और उनकी परंपराओं और मानवबिंदुओं पर आघात करना, ये कांग्रेस की बहुत पुरानी रीति नीति रही है। ये एक्सपोज हो चुकी है। ये सोच रहे थे कि शायद आज ये बोलते समय ये भूल गए कि ये जो 99 सीटें जीती हैं इन्होंने 100 में से नहीं है, ये 543 में से 99 हैं। ये सोच रहे हैं मैं 100 में से 99 जीत चुका, और ऐसा लग रहा था जैसे एक ही बॉल में मैं तो छक्का मार करके और हिस्ट्री सीटर और वर्ल्ड लीडर बन जाऊंगा। गलतफहमी मत रहिए, ये सदन है, भारत का सदन है, भारतीयता से चलता है, भारतीय मानवबिंदुओं से चलता है। आप उसकी परंपराओं को और उनको जो नियम है उनका अगर उल्लंघन करोगे तो उसकी सजा भी आपको भुगतनी पड़ेगी। राहुल गांधी को और उनके जो अपने अध्यक्ष हैं सोनिया जी को अविलंब इस बारे में सदन से और समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, और साथ ही साथ सदन को भी इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। सदन के अंदर जो हिंदुओं के खिलाफ में जो नफरती बयान राहुल गांधी के द्वारा दिया गया, उसके बाद में आपको क्या लगता है कि यह माफ़ी मांगेंगे राहुल गांधी, आपको ऐसा लगता है? नहीं, नहीं मांगेंगे तो मरेंगे, मरेंगे इन द सेंस इसकी मानसिकता का अंत हो जाएगा। उन्होंने तो ये भी कहा कि अब अगली बार हम गुजरात में नहीं, यहाँ नहीं, गुजरात में भी भाजपा को हराएंगे, कांग्रेस हराएंगे। मैं कहता हूँ हराने जिताने का काम आप करते रहिए, हिम्मत है तो करो ना, कौन मना करता है, ताकत तो लगा दी ना, पूरी दुनिया का कुनबा एक तरफ और एक पार्टी एक तरफ, ये तो देख लिया ना, फिर भी सारे मिलाकर के एक के साथ नहीं हुए, एक के बराबर नहीं हुए, पल्ला फिर भी इधर ही भारी है। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए राजनीति में आप कुछ भी करिए, सदन में जाकर के आप किसी को कोसिए, किसी राजनेता के ऊपर राजनीतिक दल को कुछ बोलना है जो बोलिए मर्यादा में रह करके, लेकिन हिंदू समाज के साथ छेड़छाड़ करना ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं के जनभावनाओं को जिस तरह से आघात किया है इन्होंने, और हिंदुओं को अब तक आतंकवादी बताते थे, अब हिंसक भी बता दिया, झूठा भी बता दिया और नफरती भी बता दिया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अगर यही बात कोई नॉन हिंदू के बारे में बोल देता, किसी और रिलीजन के बारे में बोल देता तो इनका सरकलम हो जाता। आपको पता है वो एक नूपुर शर्मा ने क्या सच्ची बात कही थी जो कहीं हदीस और उसमें थी, उसको लेकर के उसका सरकलम करने की चारों तरफ से आवाज़ उठने लगी। लेकिन इनको पता है कि हिंदू समाज के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई हिंदू समाज की मान्यता ऐसी नहीं है कि आपका सरकलम करेगा, नहीं करना चाहिए, हमारी मान्यता नहीं है, हमारी सोच नहीं है ऐसी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें जवाब देना नहीं आता। समाज ने हमेशा से एक कांग्रेस को सबक सिखाया है, जिस जिसने जब जब रामद्रोह किया ना उसकी सजा उसको मिली है, तब तब मिली है, और जिस जिसने भी हिंदू समाज के साथ आघात किया, प्रतिघात किया, उसके साथ धोखा और छल किया, उसकी भी सजा इसको मिली है। लेकिन हिंदू समाज अपनी सजा को अपने तरीके के साथ, अपने डेमोक्रेटिक मानवबिंदुओं के साथ करता है। तुम चाहे कितने ही बेहुदा बन जाओ लेकिन समाज अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता, ये हिंदू समाज की अपनी खासियत है। लेकिन राहुल गांधी का यह बयान सत्ता में ना आ पाने की बौखलाहट है या फिर पिछली बार से ज़्यादा सीटें आने का अति उत्साह? देखिए मैं तो वही कहूँगा कि भाई ये तो नाटक कर रहे थे कि पहली बार, वो कहते हैं कि एक ताज मिला किसी को तो वो ताज को दिखाता फिर रहा था, अरे देखो देखा 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 मेरे पास ये ताज है, कोई देखने को तैयार नहीं था। तो उन्होंने सोचा मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊँगा, जल्दी जल्दी बोलूँगा तो इनको घेर लूँगा और लोग ताली बजाएंगे। लेकिन देखिए उससे एक दिन पहले ही वो मैच देखा था इन्होंने, उस मैच में वो जो एक टीम थी जो भारत को हराने के लिए आई थी, उसका एक क्रिकेटर था जो था छक्के पे छक्का मारे जा रहा था, तो लग रहा था कि अब तो मैं तो जीत गया और अब टीम को जिता दूंगा। तो उन्होंने देखा है पहले बॉल में छक्का मार लो भाई, पहला भाषण था कम से कम संजीदगी के साथ में, समझदारी के साथ में और सूझबूझ के साथ में देना चाहिए था। आप आखिरकार लीडर ऑफ अपोजिशन हो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन पर हैं, संवैधानिक मान्यताएँ भी कुछ होती हैं। लेकिन वही बात है ना, इनका नाम कुछ एक और रखा हुआ ना किसी ने लोगों ने, मैं तो नहीं कहूँगा, वो शायद साबित हो गया। लेकिन अब जो है समाज इनको जो क्षमा नहीं करेगा ऐसा। लेकिन एक तरफ विदेश की धरती पर जाकर के एनडी गठबंधन के नेता हों या कोई और हो या फिर कांग्रेस के नेता हों, वह यह राग अलापते हैं कि देश में विपक्ष के नेताओं की संसद में आवाज़ बंद कर दी जाती है, उनके माइक को बंद कर दिया जाता है। लेकिन सदन में हमने कल देखा कि सबसे लंबा करीब 2 घंटे का भाषण विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिया। देखिए ये 2 घंटे बोल सकते हैं तो सदन सुन सकता है,
लेकिन जब प्रधानमंत्री अगर 5 मिनट के लिए खड़े हो गए तो वो नहीं सुन सकते, ये इनकी सहिष्णुता है। और दूसरी बात ये, माननीय लोकसभा अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि मेरे पास कोई बटन नहीं है, उसके बावजूद भी ये आरोप लगाना। देखिए, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करना, जिहादियों को, मिशनरियों को और कांग्रेसियों की एक पुरानी आदत रही है। और ये जो है, जो इनको पना देगा उसी को ये परास्त कर देंगे, ये भी इनकी आदत है। आप देखिए कि जिस तरह की बेहुदा बातें ये कर रहे थे, वो उस समय आप सोचिए सदन कितने किस मूड में था। वो तो सुन रहे थे भाई, चलो ठीक है, कोई पहले लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, युवा हैं और थोड़ा सा अनुभव शायद हो सकता आ गया हो। हमें लग रहा था कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद में शायद एक मैच्योरिटी इनके अंदर झलकेगी, लेकिन उन्होंने तो पहले ही भाषण में अपने स्टैंड गन चलाना शुरू कर दिया, आतंकवादियों जैसी एक तरह से मैं कहूँगा कि भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। भाई वो गोली से मारते हैं और ये शब्दों से मार रहे हैं सदन के अंदर हिंदुओं को, इससे बड़ा जो आघात और क्या होगा भाई, कि एक सदन का नेता और पूरे जिसको जो पूरे विपक्ष को प्रतिनिधित्व कर रहा है बंदा, विपक्ष के एक व्यक्ति के मुंह में से एक आवाज़ नहीं निकली। कांग्रेस के अंदर क्या हिंदू मर गए के सारे के सारे? मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के अंदर जितने भी हिंदू हैं इनको छोड़ करके, जो फिरोज की औलाद है, वो क्या आप स्वयं इस बात को स्वीकार कर गए कि हाँ मैं हिंसक हूँ, मैं नफरती हूँ, मैं असत्य बोलता हूँ? कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोगों को इस अंतर्मन में झांकना चाहिए कि ऐसे लोगों को अगर आप लीडर बनाओगे तो आपके ऊपर भी आघात हो रहे हैं, नेक्स्ट टारगेट विल बी यू, ये भी समझना पड़ेगा। और सदन को भी अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए और ऐसे लोगों के विरुद्ध जो अमर्यादित व्यवहार है उस पर अंकुश लगाना चाहिए। अब एक अगला सवाल धर्मांतरण को लेकर के, अक्सर विश्व हिंदू परिषद हमने मुखर देखा है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी यह करना कि सामूहिक धर्मांतरण हिंदुओं का कहीं के चिंतनीय है और इस पर विचार करना चाहिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय हाईकोर्ट का जो निर्णय है, या मैं कहूँ कि जो टिप्पणी है, जो एक बेल एप्लीकेशन को खारिज करते हुए, उसमें बड़ी गंभीर बातें थी। दो बातें थी, एक तो जो महिला जिसका धर्मांतरण किया गया था वो अनुसूचित जाति की थी, और सार्वजनिक रूप से एक सभा के अंदर धर्मांतरण करवा रहे हैं। और ये जो मिशनरीज हैं, ये मिशनरीज का जो गंदा चेहरा है, ये धर्म विरोधी चेहरा है, वो अनेक देश के अनेक भागों से सामने आया है। और कई पादरी तो अभी जेल की सलाखों में हैं, सजा भी हो चुकी है, नाम बदल के ये काम करते हैं सारे सारा। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने जिस तरह से उसको बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके ये जो बातें कही हैं कि आगे आने वाले टाइम में अगर इसी तरह से धर्मांतरण चलता रहा तो हिंदू अल्पसंख्यक और जो अल्पसंख्यक हैं वो बहुसंख्यक बन जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी आर्टिकल 25 द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 25 जो है ना, आपको अपने रिलीजन को प्रोफेशन प्रोपोगेट करने की इजाज़त तो देता है लेकिन कन्वर्जन की नहीं देता। यहाँ क्या हो रहा है, प्रोफेशन प्रोपोगेट नहीं हो रहा, ये तो सीधा सीधा कन्वर्जन करा रहे हैं। और अनेक स्थानों पर हमने इसके विरुद्ध बिगुल फूंका है, कई पादरी हैं जो आज भी नाम हिंदू है और काम क्रिश्चियनिटी कर रहे हैं, कई ऐसे बड़े पैमाने पर ईसाई और मुसलमान हैं जिनको जो कोई नाम हिंदू ही रखा हुआ है और काम वो कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो छदम धर्मनिरपेक्षता है और ये क्रिश्चियन मिशनरीज का पाप है वो किस तरह का है, आपने कभी देखा है चर्च में चर्च का कलर कैसा होता है? वाइट। लेकिन अब चर्च जो है ना भगवा बनने लग गए, जिसके नाम के आगे कैथोलिक चर्च और फलाना चर्च लिखा होता था, अब उनके नाम में मंदिर और प्रार्थना स्थल लिखने लगे। जो पादरी कभी भी श्वेत वस्त्र के अलावा कहीं नज़र नहीं आता था, सामने क्रॉस और श्वेत वस्त्र, उन्होंने श्वेत वस्त्र भी त्याग दिए और क्रॉस भी त्याग दिए। आप देखिए कि वो कंठी माला डालेंगे बड़ी बड़ी और माथे पर त्रिपुंड लगाएंगे और भगवा धारण करेंगे और लोगों को ठगने के लिए मार्केट में निकल जाएंगे। ऐसे जो है अनेक प्रकार के प्रपंच जो है जो चल रहे हैं, और ये चंगाई सभाओं के माध्यम से, जिस पर के माननीय उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, ये चंगाई सभाओं के माध्यम से लार्ज स्केल पर जो है सैकड़ों की संख्या में एक एक जगह पर जो धर्मांतरण हो रहा है। अभी हमने कई जगह भरतपुर में, करौली में, धौलपुर में, दिल्ली में भी हमने अपनी एक जगह से इनको भगाया था, और अभी पास्टर बजेंद्र जो इसका है अपना पंजाब का, वो दिल्ली में एक और चंगाई सभा करने वाला था, उसको इमीडिएटली रुकवाया। आपने पंजाब के अंदर भी देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बन रहा है सुना है, लेकिन पंजाब की सरकार एक सोई हुई है,
पंजाब की सरकार को पता है कि भाई उसके नाक के नीचे ये धर्मांतरण का नंगा नाच हो रहा है, वहाँ पर दारू के अड्डे जबरदस्त तरीके से खोले हुए हैं, लोग जो नशे में धुत होकर के अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार उन्हीं का समर्थन करती है। मजे की बात यह है, आप देखिए कि ये जो अभी पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी उस एक चंगाई सभा में जाने वाले थे, लेकिन विश्वेंदु प्रसाद बजरंग दल के विरोध के कारण वो नहीं घुस पाए, तो समाज खड़ा हो रहा है। और मुझे लगता है ये निर्णय जो है एक समाज की और पॉलिटिकल सिस्टम की आंखें खोल देने वाला है, और लगता है कि जो राज्य की सशक्त और सुदृढ़ सरकार कठोर कानून कहने के रंग लाएगा। अब देखिए मजे की बात यह है कि ये जो कांड हुआ वो एक ऐसे स्थान पर हुआ जो कि भगवान राम और भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, भगवान शंकर की दिव्य भूमि है वहाँ पर, और पूजनीय योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हैं, और धर्मांतरण के विरुद्ध कठोर कानून भी है, लोगों में जागरूकता भी आ रही है, विश्वेंदु प्रसाद जैसे संगठन भी है, फिर इसके बावजूद भी नाक के नीचे करके भाग लेते हैं लोग। हमने अनेक स्थानों पर इनको रोका है, और मुझे लगता है आपके माध्यम से मैं अपील करूँगा, समाज को भी खड़ा होना पड़ेगा, ऐसे जो पापी पास्टर्स हैं उनके विरुद्ध अपना एक बिगुल फूंकना पड़ेगा, इनके षड्यंत्रों को समझना पड़ेगा। हिंदू समाज के शेष लोगों से मैं आह्वान करूंगा कि जो इसके इनके लालच में धोखे में और फरेब में न फंसें, और अपने धर्म की सुरक्षा के लिए स्वयं खड़ा होना पड़ेगा।